दोस्तों मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो हर वक्त काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहा है, इस रोड को बनाने के लिए प्लान ये लगभग 90s से चलते आ रहा है। मुंबई कोस्टल रोड जो मुंबई के लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोड माना जाता है, क्योंकि कोस्टल रोड ये बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। दोस्तों साउथ मुंबई जो मेन मुंबई सिटी से नॉर्थ या मुंबई के आउटसाइड जाने के लिए लगभग 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। अगर ट्रैफिक हो तो उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना टाइम लग जाता है। वो ये डिस्टेंस बस 45 किलोमीटर का है। जो रूट होता है वो कॉन्स्टेंटली और सेम नहीं होता है, हमें कई छोटे छोटे रोड, हाईवेज, फोरवेज को क्रॉस करना पड़ता है। दोस्तों कोस्टल रोड के तरफ से अपडेट निकल के आ रही है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोस्टल रोड देख लेते हैं। दोस्तों 29.80 किलोमीटर का मुंबई कोस्टल रोड ये एक्सेस कंट्रोल फ्रीवे होने वाला है, जो साउथ बॉम्बे टू कांदिवली तक होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें 10 किलोमीटर का फर्स्ट फेज ये अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। फर्स्ट फेज जो मरीन ड्राइव से लेकर बांद्रा वर्ली सीलिंग से कनेक्ट किया जाने वाला है, और बांद्रा वर्ली सीलिंग को कोस्टल रोड लिंक करने के मुताबिक ही बनाया गया था, जिससे कोस्टल रोड कनेक्ट हो पाए। ये 8 लेन रोड होने वाला है, जिसमें एलिवेटेड रोड और मलबर हिल के अंडर ट्विन टनल बनाए जाने वाले हैं, जो प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर मतलब गोरेगांव चौपाटी से लेकर मलबर हिल तक अंडरग्राउंड सेक्शन होने वाला है, जो लगभग 4 किलोमीटर का होने वाला है। वह ये आगे हाजी अली दरगाह के पास कनेक्ट किया जाने वाला है, और हाजी अली दरगाह के पास एक बड़ा इंटरचेंज जंक्शन बनाया जाने वाला है, और वही हाजी अली से आगे इसे बांद्रा वर्ली सीलिंग से कनेक्ट किया जाने वाला है। और अब बांद्रा वर्ली सीलिंग से आगे का रूट का अभी तक कुछ काम स्टार्ट नहीं हो पाया है, और नेक्स्ट 19 किलोमीटर का स्ट्रेच ये जुहू बीच से लेकर वर्सोवा बीच और कांदिवली, ऐसा इसका टोटली रूट होने वाला है। पर ये 19 किलोमीटर का स्ट्रेच के लिए टोल के चार्जेस लग सकते ऐसा बोला जा रहा है, और मरीन ड्राइव से लेकर बांद्रा वर्ली सीलिंग तक कोई ट्रैवलिंग के चार्जेस नहीं लगेंगे ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों इस कोस्टल रोड में कई इंटरचेंज जंक्शन होने वाले हैं, जैसे कि हाजी अली इंटरचेंज, कार्टर रोड इंटरचेंज और नाना नानी पार्क इंटरचेंज। वही दोस्तों कोस्टल रोड के लिए लगभग 90 हेक्टर लैंड ये रिक्लेम की जाने वाली है, और इस लैंड पर कोई कमर्शियल स्पेसेस अवेलेबल नहीं होने वाले। लगभग 70 हेक्टर्स लैंड पर साइकिल ट्रैक्स, एम्फीथिएटर्स, चिल्ड्रन पार्क्स, ओपन स्पेसेस, जॉगिंग ट्रैक्स और कुछ टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाने वाला है। यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर इस लैंड पर पार्क्स, गार्डन्स की डेवलपमेंट की जाने वाली है। दोस्तों अब इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीशन डिटेल्स की बात करते हैं, और इसके लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो दोस्तों इसके फर्स्ट फेज के अंडर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन वर्क इसका चालू है। अभी हाल ही में इसका 36% कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हो चुका है ऐसा बोला जा रहा है, और 90% रिक्लेमेशन हो गया है, वही 68% सी वॉल का काम भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों गिरगांव चौपाटी से लेकर मलबर हिल तक के अंडरग्राउंड टनलिंग का काम ये 11% कंप्लीट हो पाया है। दोस्तों इस टनलिंग के लिए इंडिया की सबसे बड़ी टनलिंग मशीन ये काम पर लगी हुई है, और दिन रात कर इस टनलिंग का काम शुरू है ऐसा बोला जा रहा है। दोस्तों इस कोस्टल रोड के फर्स्ट फेज को 12,000 करोड़ के लागत से बनाया जा रहा है। L&T और हुंडई डेवलपमेंट इस कंस्ट्रक्शन को कंस्ट्रक्ट कर रही है, वही टनलिंग वर्क ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज जो जुलाई 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, और अब सेकेंड फेज जो 90 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है इसकी बात की जाए तो इस पे अभी तक कोई ग्राउंड वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हो पाया है, और प्रोबेबली फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद सेकेंड फेज का काम स्टार्ट होगा ऐसा बोला जा रहा है। पर सेकेंड फेज ये कई कॉन्ट्रोवर्सी चीज़ें इसमें सामने आई है, जैसे कि जुहू बीच और वर्सोवा बीच में कोली समाज का इसमें नुकसान होने वाला है ऐसा बोला जा रहा है। तो लेट्स होप BMC इसको अच्छी तरीके से हैंडल करे और ये प्रोजेक्ट को सही ट्रैक पर चलने दे। तो दोस्तों ये मुंबई का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो मुंबई को एक अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे ऐसे उम्मीद करते हैं, और ये प्रोजेक्ट अपने डेडलाइन पर कंप्लीट हो ऐसी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियोज़ अगर पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।